गोवर्धन में स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धांजलि समारोह हुआ आयोजित। लोकमणि बिहार मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित भंवर सिंह शर्मा होगा। लोकमणि बिहार स्थित लक्ष्मी नवग्रह वाटिका पर ब्रजेंद्र केशोरिया की 15वीं और भंवर सिंह शर्मा की 5वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। हम आपको बता दें कि कैलाश चंद्र मिश्रा ने आए सभी गणमान्य लोगों का हार्दिक अभिनंदन किया व कहा कि देश स्वतंत्र होने में सेनानियों का विशेष योगदान रहा है। उत्तराधिकारी संगठन के द्वारा मथुरा जिले के जो 2 स्वतंत्रता सेनानी हुए उनके नाम की वृक्षावली जो है वह गिरिराज तलहटी में की जाएगी, उसका प्रयास करेंगे। नगर पंचायत चेयरमैन पंडित खेमचंद शर्मा ने कहा कि लोकमणि बिहार मार्ग का जल्द निर्माण कराया जाएगा और मार्ग नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित भंवर सिंह शर्मा के नाम पर रखा जाएगा। गोवर्धन नर्सिंग नवग्रह वाटिका में स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धांजलि का समारोह किया है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? नहीं, हमारे जो है देश में जो है जो आज जो आज़ादी जो हुई वो सारी सेनानियों के द्वारा हुई। मुझे गर्व है कि मैं स्वतंत्रता सेनानी, मेरे पिता जो है स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे पिता की आज 5वीं पुण्यतिथि है, और मैं इसके बहाने से या इसके सहारे से जो उनको याद करता हूँ। मेरे चूँकि मेरे पे जो है मेरे पूर्व पिता और श्री निदेशक जो थे श्री ब्रजेंद्र केशोरिया जी, मेरे ताऊ जी थे, उन्होंने जो है हमको दायित्व सौंपा उत्तराधिकारी संगठन का। 1992 से उन संगठन के जिला मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है उत्तराधिकारी संगठन की तरफ से भी कि हम मथुरा जिले में 702 सेनानी हुए, हम सारे इनके साथ साथ सारे जिले के सारे सेनानियों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं आज, और उनके बनाए हुए बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। आज राजनीति विरोधाभास किया फिर भी हमारा ये हमने यहाँ स्मारक बनाया हुआ है सेनानियों का। उसके बाद अब हमारा अगला लक्ष्य है कि हम जो है 702 वृक्ष भारत सरकार से, राज्य सरकार से, योगी जी से, वन विभाग के सहयोग से, उनसे 702 सेनानियों के नाम से और 702 वृक्ष हम जो है चाहेंगे गिरिराज तलहटी में लगाए जाएं और उनका नाम रोशन रहे, हमारे बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाए। लक्ष्य यही है कि सेनानी के कौन थे, आज हमारा इतिहास ख़त्म हो गया है। अगर ये सेनानी नहीं होते तो आज हम नहीं होते, आज हमारी वही स्थिति होती जो अफगानिस्तान या अन्य देशों की हो रही है। तो हमारा यही लक्ष्य है और उसी के लिए हम जो है हर वर्ष जो है आयोजन करते हैं और उन सेनानियों को सारे पिता को उनको तो मैं श्रद्धांजलि दे ही रहा हूँ उनकी पुण्यतिथि, लेकिन पूरे मथुरा जिले के नहीं पूरे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ये दिव्य स्थल उन लोगों के संरक्षण में ही बना था, उनके जिनकी आज पुण्यतिथि है उन्होंने इसको कराया और भविष्य में भी जो ये करता रहूँगा प्रयास रहेगा सेनानियों का इतिहास जो है आम व्यक्ति जान सके, ये नहीं अलोप हो जाएगा। अगर हम सभी सेनानी परिवारों को मैं तो निवेदन करूंगा, सारे सेनानी परिवार अपने आप में गर्व करें कि आप सेनानी पुत्र हैं, सेनानी परिवार में आपके पिताओं ने इस देश की धरती को आज जो आज़ाद कराया हमारे सबके पिता में हूँ की देन है, और वो सारे मिलकर के पुनः अपने आप को जागृत हों, एक मंच पर आएँ और अपना जो है वर्चस्व करें या वो अपने अपने पिताओं के अपने अपने घरों पर हर वर्ष जो है उनको याद करें।